YouTube पर चैनल बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन चलाना उतना ही मुश्किल है, और ऊंचाइयों पर लेकर जाना और भी मुश्किल, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। कुछ सीक्रेट ट्रिक्स की मदद से आप अपने YouTube चैनल को बहुत ही कम समय में ग्रो कर सकते हैं, और आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही 7 सीक्रेट ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप अपने YouTube चैनल को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सही सब्जेक्ट का चुनाव। कोई भी वीडियो बनाने से पहले उसके विषय का चुनाव करना अति आवश्यक है। वीडियो का विषय हमेशा सोच समझ कर चुने। ऐसे टॉपिक्स का चुनाव करें जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, ऐसे विषय जो काफ़ी पॉपुलर हों और ट्रेंड कर रहे हों। अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाओगे तो बेहद कम समय में आपके वीडियो पर मैक्सिमम व्यूज आ जाएंगे, साथ ही इस बात की पूरी संभावना है कि आपका वीडियो वायरल हो जाए। लेकिन हमेशा ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स नहीं मिलते जिन पर वीडियो बनाए जा सके, इसलिए ज़्यादातर पब्लिक इंटरेस्ट के विषयों पर वीडियो बनाएं। ऐसे टॉपिक्स पर कभी भी वीडियो मत बनाइए जो कुछ ही समय बाद डेड हो जाएं, जैसे कि समाचार। अगर आपका चैनल न्यूज़ चैनल है तो बात अलग है, वरना खबरों पर वीडियो कभी मत बनाइए, क्योंकि खबरें कुछ ही घंटों में पुरानी हो जाती हैं और उसके बाद उन्हें कोई देखता तक नहीं। ऐसे में अगर आप किसी खबर पर वीडियो बनाएंगे तो वह 1-2 दिन बाद पूरी तरह से डेड हो जाएगी, फिर उसे कोई नहीं देखेगा, यानी वीडियो पर ना तो व्यूज़ आएंगे और ना ही आपकी आमदनी होगी। इसलिए ऐसे टॉपिक्स का चुनाव करने से बचें और ऐसे विषयों पर वीडियो बनाएं जो लंबे समय तक डेड ना हो, ताकि आपके वीडियोस को लोग हमेशा देखते रहें और आपकी आमदनी होती रहे। नंबर 2, रिसर्च करना ज़रूरी है। बहुत से लोग वीडियो बनाते समय इस बात को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। वीडियो अपलोड करने की जल्दबाजी में वे रिसर्च नहीं करते। इसका परिणाम यह होता है कि वीडियो में बहुत सी कमियाँ रह जाती हैं, कई बार तथ्यों के साथ गड़बड़ भी हो जाती है, जिसकी वजह से कमेंट बॉक्स में लोगों से गालियां भी खानी पड़ती हैं। और चूंकि वीडियो को अपलोड करने के बाद उसे एडिट नहीं किया जा सकता, इसलिए वीडियो में जो गलती रह जाती है उसे सुधारा भी नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही उपाय बचता है कि वीडियो को डिलीट करके एडिट करें और फिर से अपलोड करें, लेकिन अगर वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आ गए हों तो उसे डिलीट करने का भी मन नहीं होता। इसलिए वीडियो बनाने से पहले प्रॉपर रिसर्च करें, टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद वीडियो का एक निश्चित फॉर्मेट बनाएं। फॉर्मेट में उन बिंदुओं को लिखें जिन पर आप वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद गूगल, विकिपीडिया आदि की मदद से वीडियो के टॉपिक्स और उसके मुख्य बिंदुओं से जुड़ी जरूरी जानकारी इकट्ठी करें। तथ्यों के मामले में थोड़ी सावधानी बरतें, किसी एक वेबसाइट पर निर्भर न रहकर 4-5 अलग अलग वेबसाइट की मदद लें और अंतिम रूप से सही तथ्य चुनें। अगर आप हर वीडियो इसी तरह रिसर्च करके बनाएंगे तो उसमें गलती की गुंजाइश ना के बराबर होगी, यानी कि आपका वीडियो एकदम परफेक्ट बनने वाला है। नंबर 3, स्क्रिप्ट लिखना भी ज़रूरी है। एक दमदार वीडियो के लिए एक दमदार स्क्रिप्ट का होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो में आपका कब क्या बोलना है, कहाँ बोलना है और कैसे बोलना है, यह सब पहले से ही लिख कर रख लें, यानी कि एक अच्छी सी स्क्रिप्ट लिखें और उसी के आधार पर वीडियो बनाएं। स्क्रिप्ट में रिसर्च से प्राप्त सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं और तथ्यों को क्रमबद्ध तरीके से लिखें। याद रखें कि कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु छूटे नहीं। स्क्रिप्ट लिखने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जानकारी मिस नहीं होती, इसलिए कोई भी वीडियो या फिल्म बनाने से पहले हमेशा स्क्रिप्ट लिखी जाती है। खैर, स्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद वीडियो की शूटिंग शुरू करें। नंबर 4, वॉइस क्वालिटी पर ध्यान दें। एक वीडियो की सफलता में वॉइस का बड़ा योगदान होता है। अगर वीडियो में आपकी आवाज़ लाउड और क्लियर नहीं है और बैकग्राउंड में शोर सुनाई दे रहा है तो व्यूअर्स आपके वीडियो को पूरा नहीं देखेगा, बीच में ही छोड़कर चला जाएगा और फिर कभी आपका वीडियो नहीं देखेगा। इससे आपके चैनल पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपको बताना चाहूँगा कि खराब वॉइस क्वालिटी एक अच्छे खासे वीडियो को सत्यानाश कर देती है। आपका वीडियो भले ही कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर वॉइस क्वालिटी खराब है तो वह वीडियो खराब ही कहलाएगी। वॉइस क्वालिटी कैसे सुधारें, इसलिए वॉइस क्वालिटी पर विशेष रूप से ध्यान दें। वीडियो में आप जो भी बोलें वह बिल्कुल साफ साफ सुनाई देना चाहिए, यानी कि आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ और बुलंद होनी चाहिए और उसमें बैकग्राउंड का शोर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर आप आउटडोर शूट करते हैं तो अच्छी क्वालिटी के नॉइस कैंसिलेशन माइक का इस्तेमाल करें। वहीं अगर आप बंद कमरे में शूट करते हैं तो पंखा हमेशा बंद रखें, क्योंकि अगर पंखा चलेगा तो वीडियो में आपकी आवाज़ से ज़्यादा पंखे का शोर सुनाई देगा और आपका व्यूअर से 10 सेकंड में ही वीडियो छोड़कर चला जाएगा। एडिट ऑडियो फाइल। रिकॉर्डिंग के बाद वॉइस को एडिट करना भी ज़रूरी है। कृपया यह काम वीडियो को एडिट करने से पहले करें। इसके लिए अपने वीडियो से ऑडियो को अलग कर लीजिए और ऑडासिटी नामक सॉफ्टवेयर की मदद से ऑडियो फाइल को एडिट कर लीजिए। ऑडासिटी से नॉइस कैंसिलेशन का फीचर दिया गया है, जिसकी मदद से आप बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर सकते हैं, साथ ही ऑडियो के पिच और टोन को भी बदल सकते हैं, यानी कि अपनी आवाज़ को तेज़, धीमी, पतली या वजनदार बना सकते हैं। खैर, एडिट करने के बाद ऑडियो फाइल को वापस वीडियो में मर्ज कीजिए और उसके बाद वीडियो को एडिट कीजिए। नंबर 5, ओवर एडिटिंग ना करें।
ओवर एडिटिंग यानी कि हद से ज़्यादा एडिटिंग। बहुत से यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस में दुनिया भर के साउंड इफेक्ट्स और विजुअल इफेक्ट डाल देते हैं। जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ भी इफेक्ट डाल देते हैं, जिससे व्यूवर्स के लिए उस वीडियो को झेलना मुश्किल हो जाता है। कान और आँखें दर्द करने लग जाती हैं और व्यूवर्स आपका वीडियो बीच में ही छोड़कर चला जाता है। आपको बताना चाहूँगा कि किसी वीडियो में ढेर सारे साउंड इफेक्ट और विजुअल इफेक्ट ठूस देने को एडिटिंग नहीं कहते, बल्कि वीडियो का सत्यानाश करना कहते हैं। वीडियो एडिटिंग एक कला है जो बेकार से बेकार वीडियो को सुंदर और दर्शनीय बना देती है, इसलिए एडिटिंग को पर्याप्त समय दें। सबसे पहले वीडियो में मौजूद गैर जरूरी सीन्स को काट कर निकाल दें। उसके बाद विषय वस्तु से संबंधित महत्वपूर्ण सीन्स को हाइलाइट करें और जहाँ जरूरी हो वहाँ टेक्स्ट और फोटो का प्रयोग करें। अब आप पूछेंगे कि टेक्स्ट किस लिए? तो बहस लिए, क्योंकि कई बार आप अपनी वीडियो में कुछ शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते या फिर अपनी स्थानीय बोली या लहजे के हिसाब से उच्चारण करते हैं जो कई लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए ऐसे शब्दों को टेक्स्ट के रूप में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो एडिटिंग कैसे करें? वीडियो SEO के लिहाज से भी टेक्स्ट ऐड करना बेहद ज़रूरी है। आपके वीडियो का टाइटल क्या है और आप वीडियो में क्या क्या बताने वाले हैं, यह आपको वीडियो की शुरुआत में ना सिर्फ बोलकर बताना चाहिए बल्कि टेक्स्ट के रूप में भी लिखना चाहिए। यह बहुत ज़रूरी है। वीडियो की शुरुआत में वेल इंट्रो भूलकर भी ना लगाएं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करें, क्योंकि जब तक व्यूवर्स आपका वीडियो देखेगा ही नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा कि वीडियो कैसा है? वह बिना कुछ देखे ही आपका चैनल सब्सक्राइब क्यों करेगा? खैर, एडिटिंग का मकसद वीडियो को सहज, सरल, सुंदर और बोधगम्य बनाना होता है, इसलिए वीडियो में फालतू इफेक्ट्स बिल्कुल ना डालें। ज़्यादा तड़क भड़क आँखों में चुभती है, जहाँ ज़रूरी हो सिर्फ वहीं इफेक्ट का प्रयोग करें। बैकग्राउंड म्यूजिक का प्रयोग सोच समझ कर करें। अगर बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा होगा और विषय वस्तु के अनुकूल होगा तो वीडियो की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं, लेकिन अगर बुरा और हद से ज़्यादा लाउड होगा तो वीडियो का बेड़ा गर्क कर देगा। नंबर 6, YouTube वीडियो SEO। एडिटिंग के बाद बारी आती है अपलोडिंग की। हालांकि YouTube पर वीडियो अपलोड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सिर्फ अपलोड करना ही काफ़ी नहीं है, वीडियो का प्रॉपर SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी करना पड़ता है। ये वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए जब भी आप किसी वीडियो को YouTube पर अपलोड करें तो उसका प्रॉपर SEO करें। ज़्यादा ना सही पर ये चार काम जरूर करें। पहला, थंबनेल। एक अच्छा और आकर्षक थंबनेल वीडियो के लिए संजीवनी का काम करता है। थंबनेल ऐसा होना चाहिए जिसे देखते ही वीडियो पर क्लिक करने का मन करे, लेकिन याद रहे थंबनेल में वही होना चाहिए जो आपके वीडियो में है, यानी कि क्लिक वेट करके अपने व्यूवर्स का भरोसा कभी मत तोड़िए, वरना यह दांव आपको उल्टा भी पड़ सकता है। थंबनेल में वीडियो का टाइटल और फोकस की फ्रेज को प्रमुखता से दिखाएं, साथ ही वीडियो की विषय वस्तु से संबंधित फ़ोटो अवश्य लगाएं और हो सके तो अपनी फ़ोटो भी लगाएं। थंबनेल कैसे बनाते हैं, अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। नंबर 2, टाइटल। थंबनेल की तरह ही टाइटल भी आकर्षक और यूनिक होना चाहिए। लंबा और बोरिंग टाइटल कभी ना रखें। टाइटल जितना छोटा और यूनिक होगा उतना ही प्रभावशाली होगा। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि टाइटल वीडियो की विषय वस्तु से संबंधित और पूरे वीडियो का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। किसी एक भाग या लाइन को कभी भी टाइटल नहीं बनाना चाहिए। नंबर 3, डिस्क्रिप्शन। बहुत से यूट्यूबर डिस्क्रिप्शन को फालतू चीज़ समझकर छोड़ देते हैं या फिर एक दो लाइन लिखकर ही छोड़ देते हैं, जबकि ये वीडियो SEO का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसलिए अपने हर वीडियो का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखें। अब आप पूछेंगे कि डिस्क्रिप्शन में क्या लिखें, तो इसका जवाब यह है कि पहले तो आप वीडियो का पूरा विवरण लिखिए। अपने व्यूवर्स को बताइए कि वे आपका वीडियो क्यों देखें, यानी कि वीडियो में ऐसा क्या बताया है आपने। विवरण लिखते समय वीडियो से संबंधित कीवर्ड्स का प्रयोग अवश्य करें। इसके अलावा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक भी जोड़ें। नंबर 4, टैग्स। टैग्स का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से आपका वीडियो वायरल भी हो सकता है और फ्लॉप भी। इसलिए टैग्स लिखने से पहले थोड़ी सी रिसर्च जरूर करें। जिस टॉपिक पर आपने वीडियो बनाया है उसे गूगल या यूट्यूब पर सर्च कीजिए और टॉप 10 कीवर्ड्स को सेलेक्ट कर लीजिए। याद रखें, टैग्स ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, ज़्यादातर एक या दो शब्द वाले टैग्स का ही प्रयोग करें और एक वीडियो में 15 से ज़्यादा टैग्स कभी न डालें। साथ ही सारी टैग्स वीडियो से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसे टैग्स का इस्तेमाल कभी मत कीजिए जिनका आपकी वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। नंबर 7, यूट्यूब मार्केटिंग। वीडियो अपलोड करने के बाद उसकी जमकर मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है, वरना लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपका कोई यूट्यूब चैनल भी है, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि पूछो मत। एक ही टॉपिक पर हजारों वीडियोस मिल जाते हैं, ऐसे में इतने सारे वीडियोस में से कोई आपका वीडियो देखे इसके लिए कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। इसलिए हर वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जमकर शेयर कीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, क्यूरो सब पर शेयर कीजिए। याद रखिए, आपके शुरुआती व्यूअर्स आपके दोस्त ही होते हैं,
इसलिए अपने स्कूल अथवा कॉलेज के दोस्तों को अपने चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। साथ ही उनसे अपने वीडियो को शेयर करने के लिए भी कहिए। इसके लिए अगर आपको थोड़ा बहुत खर्चा भी करना पड़े तो निसंकोच होकर कीजिए, क्योंकि इसमें भी आपका ही फ़ायदा है। इसके अलावा ई टू मार्केटिंग के बारे में जानिए, समझिए और इसका फ़ायदा उठाइए।